आपको बताते चलें कि उत्तराखंड से दिल्ली और अन्य रूटों पर चलने वाली बसें अनुबंधित ढाबों पर रुकती हैं, जहां यात्रियों से मनमाने रेट वसूले जाते हैं। लेकिन अब ढाबे संचालकों की मनमानी नहीं चल पाएगी, क्योंकि रोडवेज एक ऐसा प्लान तैयार कर रहा है जहां यात्रियों को सीट पर बैठे ही खाने की सामग्री उपलब्ध हो जाएगी और साथ ही ओवर रेटिंग पर भी रोक लगेगी। वहीं परिवहन विभाग के प्रबंधक निदेशक रोहित मीणा ने बताया कि ढाबों का लंबे समय से टेंडर नहीं हो पाया था, उस टेंडर को अब खोल दिया गया है। इसके साथ ही लगातार शिकायतें आती हैं कि अनुबंधित ढाबों पर ओवर रेटिंग की जाती है, जिसके लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि प्रत्येक सीट के पीछे एक होलोग्राम लगा होगा, जिसके माध्यम से व्यक्ति रास्ते से ही अपने खाने की सामग्री का ऑर्डर कर सकता है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अभी के लिए जो करंट वीक जो हमारा चल रहा है, इसी वीक में हमारी दो टीमें ऑलरेडी दोनों लोकेशनों पे, हल्द्वानी वाले रूट पे भी और दिल्ली वाले दिल्ली देहरादून रूट की वाला जो रूट है, इस रूट पे ढाबों का वर्तमान में चेकिंग कर रही है। जो ओवर रेट की आपने बात की थी, उसी रेट को ख़त्म करने के लिए हमने ऑलरेडी इस टाइप का बनाया है कि हर सीट के पीछे हम एक होलोग्राम टाइप का देंगे, जिससे एक आदमी ड्यूरिंग द ट्रैवल इटसेल्फ वो फूड का ऑर्डर कर देगा।